हे गाइस, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल सर आई टी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम सॉल्व करने वाले हैं क्विज 5 इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और भी पहले में 4 क्विजेज आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देख सकते हैं। और भी बहुत से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ जाकर देखना ना भूलिएगा। और ये फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जो भी ट्रेड है सभी देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन पेयर इज द होमोग्राफ। होमोग्राफ्स देखिए, होमोग्राफ्स ग्रामर का है क्वेश्चन। होमोग्राफ वो होता है जिसका मीनिंग सेम हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। मीनिंग सेम मतलब अर्थ अलग हो। देखिए, वीक है ऊपर वीक, और ये डब्ल्यू ई ए के वीक और डब्ल्यू डब्ल ई के वीक, दोनों का मीनिंग अलग है। ये होमोग्राफ नहीं है, होमोनिम्स भी बोलते हैं, होमोग्राफ्स कहीं कहीं मिल जाएगा। देखिए, लीफ लीफ दोनों तरफ एक ही लीफ, एक लीफ रहना, एक लीफ मतलब जीवन जीना। रन रैन ये अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, मतलब ये होमोग्राफ्स नहीं है। लीफ जो है ऑप्शन बी है, करेक्ट है। लीफ मतलब एक रहना होता है, एक लीफ मतलब जीवित, जीवित हो रहना। अब देख क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द कंजंक्शन फ्रॉम बिलो। नीचे जो है उसमें से कंजंक्शन कौन है, कंजंक्शन का मतलब समझ लेते हैं। अगर नहीं जानते तो आई बटन पर भी मिल जाए, बहुत एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा छोटा सा वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, कंजंक्शन के बारे में दिया गया है। देखिए, कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है, दो क्लाउज को भी जोड़ सकता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। एंड, बट, ये ऐसे ही, ये विच, ये सब जो है कंजंक्शन यूज किया जाता है। जैसे एंड इसमें है, एंड और दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ता है। राइट, रीड, स्पीक, ये सब जो है वर्ब है, मेन वर्ब वो भी एक्सिलरी वर्ब। पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सिलरी वर्ब इज, एम आर होता है, मोडल होता है, सेल्स वुड, ये सब विल वुड, कैन कुड, में मस्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। समवन हु अप्लाई फॉर ए जॉब, समवन अगर कोई जॉब को अप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय नहीं, वो तो जॉब उसको मिल चुका है। कैंडिडेट नहीं, जॉब सेकर, जॉब खोजने वालों को जॉब सेकर बोलते हैं। एप्लीकेंट नहीं, एप्लीकेंट जो आप आवेदन दे रहा है लेकिन वो नहीं, जॉब जो ढूंढ रहा है, आप पूछा जा रहा है हु अप्लाई फॉर ए जॉब, जो जॉब के लिए अप्लाई करे वो होता है जॉब सेकर, जॉब ढूंढने वाला या जॉब को अप्लाई करने वाला जॉब सेकर कहलाता है। फिर से रिपीट कर लिए, जो जॉब को खोजे, जो जॉब अप्लाई कर रहा है उसको हम जॉब सेकर बोलते हैं, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द नेचुरल टैलेंट ऑफ कैपेसिटी टू डू समथिंग, आपके अंदर कोई नेचुरल चीज़ें हैं जो आपकी कैपेसिटी को बताते हैं, तो वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, आपके पास कितना बुद्धि है वो नेचुरल होता है। स्किल, एप्टीट्यूड, नॉलेज ये हमेशा चेंज होते रह सकते हैं। नॉलेज, कुछ जानकारी लिया, नॉलेज बढ़ गया। स्किल्स, कुछ एक्स्ट्रा स्किल टेक्निकल है, कभी कंप्यूटर जाके सीख लें वो एक्स्ट्रा स्किल्स हो गया, कहीं जाकर कोई भाषा सीख लेंगे, तेलुगु भाषा सीख लें वो एक्स्ट्रा स्किल्स आ गया, तो वह स्किल्स हैं। लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट है, जो बुद्धि है नया सीखने का, नया करने का, ये सब इंटेलिजेंस है। आपके सोचने की शक्ति इस पर डिपेंड करती है, बुद्धि बोलते हैं हिंदी में। जैसे कोई कहता है ना, बुद्धि नहीं है क्या, कुछ गलती करते हैं, तो मतलब इंटेलिजेंस नहीं है आप में, थोड़े सोचने की क्षमता, बुद्धि नहीं है अच्छे काम करने की, ये रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। मनी अर्नड ऑन ए फिक्स्ड बेसिस, अगर कमाया, आप पैसा कमाए फिक्स पे, आपको एक एकदम फिक्स है कि इतना आ जाएगा महीना में, तो वो सैलरी से ही आता है। अलाउंस, भत्ता, कोई बेरोजगारी भत्ता, किस तरह भत्ता, ये सब, या टिप्स है, किसी को टिप्स देके, या कोई अलग तरह बेनिफिट्स से, आप फिक्स्ड बेसिस पर पैसा नहीं कमा सकते। सैलरी ही आपकी फिक्स्ड बेसिस होती है, या आप 10,000-20,000 कमा रहे हैं तो सैलरी फिक्स्ड है, 10,000 आएगी सैलरी, 20,000 मिल रही, मतलब महीने की 20,000 सैलरी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, पीपल हु नो एज एन एप्लीकेंट विल एंड कैन प्रूव इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, कह रहा है वो आदमी जो एप्लीकेंट आवेदक को जानता हो, और जहां आवेदक किसी और को, जहां कंपनी में गए हैं, जैसे किसी कंपनी में गए हैं आप, तो आप गए हैं तो आप कंपनी को नहीं पहचानते हैं, आप किसी के साथ गए हैं वो आपको पहचानता है,
आपको वो पहचानता है, कंपनी का मालिक उस आदमी को जानता है, मतलब एक जैसे आप एजेंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो रेफरेंस होता है, वो पीपुल को क्या कहते हैं वही पूछा जा रहा है, वो पीपुल रेफरेंस बुलाता है। कहीं जाएँ किसी कंपनी में या कहीं एडमिशन लेने, पूछा जाता है किसके रेफरेंस हैं, कहें कि ये सर के थ्रू आए थे, या ये अंकल है मेरे उन्होंने ही भेजा है, या ये मेरे चाचा जी या मेरे जो हैं वो रेफरेंस पूछा जाता है। तो आप किसके रेफरेंस से आए हैं, तो मैं इनके रेफरेंस से आया हूँ बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, मैं इनके रेफरेंस से आया हूँ। ओके ओके, वही पूछा जा रहा है रेफरेंस। क्वेश्चन 7 है, मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल योर पर्सनल कनेक्शंस टू अचीव योर करियर गोल। अपने पर्सनल जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं या आपके रिश्तेदार हैं उनको मिलाकर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू ही संभव है। एक नेटवर्किंग स्टार्ट करें, बहुत से आपके नेटवर्किंग कंपनी मिल जाएगी, कहेंगे कि आप अपने पर्सनल कनेक्शन जो जो है आपके उसको एकत्रित कीजिए, और उनको कहिए कि आप इतने आदमी को जोड़िएगा तो इतना प्रॉफिट होगा। इस तरह के जो जॉब्स हैं वो नेटवर्किंग जॉब्स भी कहलाते हैं, और इस तरह से आप नेटवर्किंग का भी गोल अचीव कर सकते हैं जिसमें सैकड़ों लोग जुड़ सकते हैं, और अधिकतर पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल आपके रिश्तेदार ये सब जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन 8, एन ऑक्यूपेशन टू विच यू हैव मेड ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। वो कौन सा व्यवसाय है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट कर लेते हैं, तो देखिए वो है आपका करियर। इसके लिए ये एक लॉन्ग टर्म है, आप करियर बनाने के लिए आप कुछ भी करते हैं, एक आपका करियर एक बार सेट हो गया वो अपना धीरे वो अपना एकदम करियर ठीक हो गया, कहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों आईटीआई कर रहे हो, तो करियर बनाने के लिए अपना, ताकि एक अच्छा जॉब मिल जाएगा फिर सेटल हो जाएंगे, या इस तरह से कुछ भी। तो आप करियर बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। 9 नंबर है, द अमाउंट ऑफ इनकम लेफ्ट आफ्टर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन आर टेकन आउट। देखिए आपके पास जो है इनकम या कोई टैक्सेस का काट के या किसी और तरह के डिडक्शन जो होंगे, जैसे कि और भी कटते हैं आपके मंथली में कंपनी काट लेती है अलग अलग तरह से, रेंट अलाउंस हो गया, गाड़ी वोड़ी का, मेडिकल अलाउंस, ये सब काट के अगर जो बचता है आपके वो, तो टेक होम पे के लिए आपको वो अमाउंट बच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 10, एन एजेंसी डेट मैचेज जॉब हंटर विथ अवेलेबल जॉब। एक कंपनी होती है, बड़े बड़े शहर में जाएंगे, दिल्ली बॉम्बे पटना उटना इस तरह के जाएंगे शहर में, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की कंपनियाँ बोल सकते हैं, जिसमें आपको आपकी तरह के जॉब वहाँ पर रखे रहते हैं। आप वहाँ जाइएगा और उनसे कहिए कि मैं आईटीआई किया हुआ हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा जॉब है तो बताइए। वो कंपनी क्या करेगी, किसी और कंपनी को ढूंढेगी कि कहीं किसी कंपनी में आईटीआई के लिए जॉब है, तो हाँ कोई कंपनी उसके यहाँ आवेदन दी होगी कि मुझे आईटीआई के दो कुछ छात्र चाहिए, और आपके पास ऐसे कोई आदमी आते हैं तो मेरे पास ज़रूर भेजिए। वो होते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। कौन होते हैं एम्प्लॉयमेंट, बड़े बड़े शहर में आपको आसानी से मिल जाए, बहुत होती हैं, या ऑनलाइन भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी। और इससे फ़ायदा ये होता है बच्चों को कि किसी और कंपनी में भटकना नहीं पड़ता, और कंपनी को भी फायदा हो जाता है कि उन्हें एक अच्छा तरह के उनके जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं वो उन्हीं जो बच्चों को जॉब देती है जो उनके उस कंपनी के लायक हैं और उस कंपनी के लिए भरोसेमंद है, इसलिए वो देती है। तो वो भी एक रिलायबल का भी काम करती है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, बोनस क्वेश्चन है। अ पर्सन वर्किंग फॉर समवन एल्स एंड रिसीव्स वेजेस और सैलरी। देखिए अगर आप बहुत से आदमी या कोई भी व्यक्ति अगर किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वो सैलरी पा रहे हैं तो उन्हें एम्प्लॉय कहा जाता है, वो कर्मचारी कहलाते हैं। वो कर्मचारी दो तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, लेकिन है तो एम्प्लॉय। अगर उन्हें खुद का काम करे, खुद के लिए अगर खुद के बिजनेस के लिए काम करते हैं तो वो होते हैं इंटरप्रेन्योर। कौन होते हैं इंटरप्रेन्योर। ये था लास्ट क्वेश्चन, और आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।